हे स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में जानेंगे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की अंतर या तुलना कीजिए। तो दोस्तों, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच इस तरह डिस्कशन है। तो आप एक तरफ लिख लीजिए पूर्वी घाट और दूसरी तरफ लिख लीजिए पश्चिमी घाट। तो पहले यह उत्तर पूर्व में छोटा नागपुर के पठार से प्रारंभ होकर दक्षिण में नीलगिरी तक फैले हैं। पश्चिमी घाट यह उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर दक्षिण में कुमारी अंतरी तक फैले हैं। दूसरा, अनेक नदियों ने स्थान स्थान पर इसे काट दिया है, जिससे उनका क्रम टूट गया है। सह्याद्री, अन्नामलाई, कुड्रेमम, नीलगिरी पहाड़ी या इसके ही उपभाग हैं। तीसरा, इसकी औसत ऊंचाई 600 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई 1220 मीटर तक है। चौथा, इनमें वनस्पति अधिक नहीं पाई जाती है। इनमें अनेक प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। पांचवा, यह बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के लगभग समानांतर है और अधिक वर्षा नहीं करता। यह अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों से लगभग लंबवत दिशा में है और पश्चिमी तटीय मैदान में भारी वर्षा करता है। छठवां, विभिन्न नदियों ने इसमें से अपने लिए मार्ग बना लिया है और इसे कई भागों में बांट दिया है। यह दीवार की भांति खड़ा है, जिसे केवल दारों से ही पार किया जा सकता है। तो दोस्तों, आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की वीडियो कैसी लगी या अंतर कैसी लगी हो? तो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, मैंने बेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करने वाली ऐप जिसका नाम ग्रोमो है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। और यदि मेरे रेफरल कोड का यूज करते हैं दोस्तों, तो आपको 250 का बोनस दिया जाएगा फर्स्ट सेल करने पर। तो दोस्तों, ज़रूरी यूज करें, जिसमें से आपको दोस्तों बहुत सारे प्रोडक्ट जैसे क्रेडिट कार्ड, डीमैट अकाउंट, सेविंग अकाउंट आदि बहुत सारे प्रोडक्ट आपको सेल करने को मिल जाएंगे, जिसमें आप अच्छी खासी पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, जरूर यूज करें और मेरे रेफरल कोड का यूज करना ना भूलें। सो थैंक्स दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत।